दोस्तों हमारी दुनिया में 2500 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 500 के करीब जहरीले होते हैं। और इन्हीं 500 में से मैं आपको दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। 10वें नंबर पर है ताइपन। ताइपन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला दूसरा सबसे खतरनाक सांप है। ये एक बार में इतना ज़्यादा जहर छोड़ता है कि उससे एक बार में 12,000 पिक की जान जा सकती है। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिस होता है। अफ्रीकन ब्लैक माम्बा की तरह एंटीवेनिन बनने से पूर्व इसका काटा कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। इसके काटने के एक घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। 9वें नंबर पर है ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा तकरीबन पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और यह सांप अफ्रीका में सांप के काटने से होने वाली सबसे ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह धरती का सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार 10-12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है। ब्लैक माम्बा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। माम्बा के काटते ही आदमी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अफ्रीका में यह सांप इतना ज्यादा पाया जाता है के अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोज मरीज को दिया जाता है। 8वें नंबर पर है टाइगर स्नेक। यह स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटने से 30 मिनट से 24 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। एंटीवेनिन बनने से पूर्व इसके काटने से मरने वाले इंसानों का प्रतिशत 70 था। इसके बावजूद भी यह इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इंसानों से मुठभेड़ होने पर यह भाग जाता है। यह काटता उसी स्थिति में है जब यह किसी कोने में हो और भागने के लिए कोई जगह न हो। 7वें नंबर पर है फिलीपीन कोबरा। कोबरा की अधिकांश प्रजातियां ज्यादा जहरीली नहीं होती, पर फिलीपीनी कोबरा इसका अपवाद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शिकार को डसने के बजाय उस पर दूर से ही जहर थूकता है। यह 3 मीटर की दूरी से भी शिकार पर जहर थूक सकता है। यह एक बार में काफी मात्रा में जहर थूकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीधे श्वसन और हृदय तंत्र पर असर दिखाता है। जहर तत्काल अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। नतीजा होता है हार्ट अटैक। इसके जहर थूकने के आधे घंटे के अंदर शिकार की मौत हो जाती है। 6वें नंबर पर है सौ स्केल्ड वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश प्रजातियां होती भी जहरीली हैं, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजाति सौ स्केल्ड वाइपर और चेन वाइपर हैं, जो भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। यही सांप भारत में सांपों के काटने से होने वाली सबसे ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये सांप प्रायः बारिश में शिकार के लिए निकलते हैं और बन जाते हैं इंसानों के दुश्मन। काटने के आधे घंटे के भीतर इंसान खत्म हो जाता है। वाइपर के काटते ही जिस हिस्से में इसने काटा है वहाँ तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। पूरे बदन में जानलेवा दर्द शुरू हो जाता है। मसूड़ों में खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आती है। आदमी कई बार खून की उल्टियां करता है और नतीजा होता है मौत। 5वें नंबर पर है डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुइना में पाया जाता है। यह सांप घात लगाकर दूसरे सांपों को शिकार करके खा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह एक बार में 100 mg तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है। हालांकि यह बहुत विषैला है, फिर भी यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का शरीर पर बहुत धीरे असर होता है। इसके विष का पूरी तरह से असर होने में 6 घंटे तक लग जाते हैं, इसलिए एंटीवेनिम इसके इलाज में काफ़ी कारगर है। 4थे नंबर पर है रैटल स्नैक। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जाता है। जब यह अपने पूंछ को हिलाता है तो यह छल्ले झुनझुने की तरह आवाज करते हैं, इसलिए इसका नाम रैटल स्नैक पड़ा है। यह सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार सकता है, जो बहुत ही ज्यादा है। यह सांप बहुत ही गुस्सैला होता है। इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके बच्चे बड़ों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों से ज्यादा जहर होता है। बड़े होने के साथ जहर कम होता जाता है। इसके शरीर में हेमोटॉक्सिस जहर पाया जाता है। इस जहर के प्रभाव से ह्यूमन टिश्यू खत्म होने लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है। इसके काटने के 10-15 मिनट के अंदर एंटीडोज दे दी जाए तो बचने के कुछ चांस हो सकते हैं, अन्यथा मौत निश्चित है। 3रे नंबर पर है ईस्टर्न ब्राउन स्नैक।
ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। उससे भी खराब बात यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों के पास ज्यादा पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इनकी चाल बेहद तेज होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर ये पीछा करके काटते हैं। इनके काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत तेज दर्द, बहुत ज्यादा खून का बहना जैसी शिकायतें मरीज करता है। काटने के 5 मिनट के भीतर इंसान खत्म हो जाता है। यह सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रतिक्रिया करता है, इसलिए कभी इस सांप से आपका सामना हो तो बिल्कुल स्थिर रहना ही सबसे बढ़िया उपाय होगा। दूसरे नंबर पर है इनलैंड ताइपन। यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे ज्यादा जहरीला है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है पर इतना घातक है कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इसका जहर रैटल स्नैक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना घातक होता है। यह सांप की आबादी दूर रहना ही पसंद करता है, इसलिए इंसानों से इसका आमना सामना बहुत कम होता है, और यदि हो भी जाए तो ये वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस सांप के द्वारा इंसानों को काटने का कोई भी मामला आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए इसे संत सांप की भी उपाधि दी जाती है। पहले और सबसे आखिरी नंबर पर है बेल्चर सी स्नैक। बेल्चर सी स्नैक साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों के मौत के लिए पर्याप्त है। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कदार इसका शिकार होते हैं। यह अधिकतर मौके पर इंसानों को काटने से बचता है, बहुत ही रेयर केस में ही यह इंसानों को काटता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पर नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।